उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जालौन के कैथेरी में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां उन्होंने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जनसभा स्थल पहुंचकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद वे चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लोगों के लिए वरदान साबित होगा और 16 जुलाई को इसका शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड की कला संस्कृतियों के साथ इस 294 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ होने के साथ ही बुंदेलखंड में चली आ रही पलायन की परंपरा भी खत्म हो जाएगी। तो जालौन से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होना है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जिस जगह पर जनसभा होनी है, पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है, उसका जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जालौन पहुंचेंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। और इसी कड़ी में इससे पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, निरीक्षण किया, सभी तैयारियों को बारीकी से जांचा परखा और इसके बाद वो चित्रकूट के लिए रवाना हो गए।